गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं 4 सिटी घूमने के लिए एक दिन में। आपको अलग अलग टाइप का सिटी व्यू मिलेगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। और आपको इसका फुल डिटेल्स दे दूंगी कहां से कहां आना है। आप इंटरलिंक से आते हैं तो आपको डायरेक्ट यहां ट्रेन है, सो आपको टर्मिनल से उतर के जस्ट 5 मिनट्स चल के आना है। हम ऑलरेडी टर्मिनल पहुंच चुके हैं। हम ग्रैंडलवर्ड से हमने स्टार्ट किया था, सो हमें ग्रैंडलवर्ड से एक स्टॉप लगा था। आप आएंगे तो ग्रैंडलवर्ड तक नहीं जाना है, उसके पहले ही आपको टर्मिनल में ही उतर जाना है। यहाँ आपको हर एक प्लेस जाने के लिए टिकट लगता है, इसीलिए आप स्टार्टिंग में ही टिकट लेते समय उनको बता दीजिए आपका फुल डे का प्लान, उसके हिसाब से आपको टिकट दे देंगे। नहीं तो आपको अलग अलग प्लेस में अलग अलग लाइन में रहकर टिकट लेना पड़ेगा, इसीलिए आप एक ही बार लेते हैं तो आपका टाइम भी बच जाता है। अभी हम लोग फर्स्ट जा रहे हैं मनी क्लेन देखने के बाद उसके बाद आगे भी चलेंगे। चलो फर्स्ट मनी क्लेन का व्यू देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 2 लेक है। आप मनी क्लेन में उतर के आप बाई वॉक जा सकते हैं इसके पास। स्विट्ज़रलैंड में कहीं पर भी जाओ आपको गाय देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, वो भी बहुत मोटा मोटा और हेल्दी गाय। यहाँ पहाड़ों के ऊपर उनको छोड़ देते हैं, बहुत है ये। हम यहाँ आए थे ना, यहाँ भी बहुत सारे गाय है। आपको मैंने दिखाया था ना 2 लेक, वो जाने के लिए यहीं से जाना है आपको लेक के पास बाय वॉक। एंट्रेंस में आपने देखा होगा बड़ा वाला काऊ रखा था, उसके पेट के अंदर जाते हैं क्या क्या है देखकर आते हैं। चलो से आप फुल मनी क्लेन का व्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरलेकन, ये इंटरलेकन है माउंटेन के बीचों बीच। हम अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ से डाउन टाउन चाय चलेंगे। चलो आप यहाँ से वॉक करके वहाँ भी जा सकते हैं, वो द रॉयल व्यू लाइक दिस हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि हम कल भी हाइकिंग किया था इसीलिए आज भी इतना चल के आए थे। वो माउंटेन के ऊपर जाना है ना तो बहुत मुश्किल होता है। अभी हम लोग मेनलिकन में हैं,
2230 मीटर। और ये केबल का ये जो है नीचे हम लोग व्यंजन एरिया है, व्यंजन एरिया में उतर सकते हैं। वहाँ से फिर थोड़ा आगे आप जो देख सकते हैं एक छोटा सा टाउन जो है वो लाठरबनन, लाठरबनन से आगे दो तीन फॉल्स जो बताए हुए हैं वहाँ पे विजिट करेंगे। सो लेट्स गो। व्यंजन मनलिकन ये जो एरिया है, यू कैन गो इनटू द व्यंजन एरिया एज वेल एज taking that cable car to the Grendel World to the other side. ए व्यंजन और मनलिकेन जाने के लिए टाइमिंग्स केबल कार का। ए केबल कार व्यू, we can go up also, our steps can go. ये अभी देख रहे हैं ना, ये व्यंजन व्यू है। अभी हमें ट्रेन पकड़ के ट्रेन से लाठरबनन जाना है। वहाँ दो फॉल्स है बड़े बड़े, सो उसको विजिट करेंगे। पहले यहाँ ट्रेन से चलेंगे। चलो चलते हैं। आई थिंक मैंने पहले प्रोनाउंस रॉन्ग किया है, लाठरबनन हम अभी जा रहे हैं। ऑन द वे दिखाती हूँ उसका व्यू। व्यू तो बहुत अच्छा है, मतलब आप देख सकते हैं फुल ग्रीनरी और ये सब वुडन का बना हुआ घर है। सो बहुत कूल काम रहता है। चलो व्यू देखते देखते चलेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रंबल वर्ल्ड फॉल्स। इनका प्रोनाउंस तो बहुत डिफरेंट रहता है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी नेम। यहाँ आने के लिए आपको बस से आना पड़ेगा। आप ट्रेन में व्यंजन आए थे, व्यंजन से लाठरबनन, लाठरबनन से यहाँ बस में आना पड़ेगा। जस्ट बस में उतरने के बाद ओनली 2 मिनट्स का वे है, वो यहाँ से चल के जाना है। फर्स्ट एंट्रेंस में ही आपको शॉपिंग और रेस्टोरेंट मिल जाता है, इवन आप स्टे करेंगे तो होटल भी अवेलेबल है। ये स्विट्जरलैंड का फेमस की चेन्स है।
अभी हम फॉल्स के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ आने के लिए आपको एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ेगा। एडल्ट के लिए 11 फ्रैंक और चिल्ड्रंस के लिए 4 फ्रैंक। और बाय वॉक भी जा सकते हैं, उसके लिए भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। सो ये स्टेयरकेस में भी जा सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं हम तो लिफ्ट में जा रहे हैं। ये लिफ्ट का भाई बहुत डिफरेंट टाइप है, मतलब व्यू बहुत डिफरेंट लगा। चलो दिखाती हूँ अंदर का व्यू। इसका प्रॉपर नेम पता नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कि मतलब वो लिफ्ट स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। स्टेयरकेस देख सकते हैं वहाँ से। सो चलो चलते हैं। ये बहुत स्लो जाता है, मैंने ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया है। हमने स्टार्ट किया था, आप देख सकते हैं स्टेप से भी आ सकते हैं। और भी ऊपर जा सकते हैं। चलो ये स्टेयरकेस माउंटेन के ऊपर तक जाता है, ये माउंटेन के अंदर से जाता है, क्योंकि माउंटेन का अंदर का हिडन फॉल्स यहाँ आप देखते देखते जा सकते हैं। और भी ऊपर जा सकते हैं लास्ट एंड पॉइंट पर। सो फॉल्स देखते देखते beautiful.
बहुत डर गया था, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कैमरा में, रियल उसके पास जाएंगे तो बहुत डर लगेगा, बहुत स्केरी फील होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं और एक फॉल के पास देख रहे हैं ना, सो चलो वहाँ भी देख कर आते हैं। वो पास में जाके हम टच करके आ सकते हैं, मतलब ऊपर तक जा सकते हैं। ए लातर बिनन सिटी व्यू है, और भी अच्छे से दिखाती हूँ, चलो चर्च बेल। यहाँ से आपको चल के वहाँ तक जाना है, चलो चलते हैं। हम तो अभी जस्ट हाफ वे आए हैं, यू कैन सी हियर जी जैक, ब्यूटिफुल व्यू। लेट्स गो अप, रन 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 रन, नाउ वी हैव टू गो इनसाइड द टनल। आई आर राइट, watch your steps, baby. Don't slip. Watch your steps. Are you sure? इतना ऊपर तक हम चल के आए, स्टिल हमें पानी नहीं दिख रहा था, सो हम ढूंढ रहे हैं कहाँ हमें फॉल्स दिखेगा, साउंड आएगा। साउंड तो आ रहा था, फॉल्स नहीं दिख रहा था। चलो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देख सकते हैं आप। फाइनली हम एंड पॉइंट आ चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं कुछ भी हमें फॉल्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि विंड के वजह से उस तरफ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, उस तरफ है, इस तरफ पानी नहीं आ रहा है, सो हमें टच करने के लिए मौका नहीं मिला। ये तो बहुत सैड है, क्योंकि कितना हम ऊपर तक चल के आए, ये ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है बस, फिर भी यहाँ से सिटी व्यू बहुत अच्छे से आ रहा था। सो यहाँ तक आए, थोड़ा फोटो खींच के चले जाते हैं बस, और कुछ नहीं है। सो चलो, going down down down,
यहाँ ऊपर आके फॉल्स देखने का प्लान थोड़ा फ्लॉप लगा, क्योंकि इतना चढ़ के हम ऊपर आए थे, यहाँ से उतना अच्छे से हमें फॉल्स नहीं दिखा, नीचे से बहुत अच्छे से दिख रहा था, सो मैंने वीडियो लिया है। आपको इस वीडियो में कुछ डाउट और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।